हियर आई एम आरती और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने बिग बॉस की चटपटी चुगली के साथ। जी हाँ, आज हम आपको फिर से बताने वाले हैं बीती रात क्या कुछ हुआ है घर में बिग बॉस का घर, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा ही एपिसोड माना जाता है, बहुत बड़ा सीरियल माना जाता है। बिग बॉस ने आते ही टीआरपी के सारे रिकॉर्ड मानो तोड़ दिए हैं और हर बार की तरह इस बार भी बिग बॉस लोगों के दिल पर छाया हुआ है। बता दें आपको, कल रात नॉमिनेशन की एक ऐसी प्रक्रिया हुई जो कि पहली बार बिग बॉस के हाउस में देखने को मिली, जहां पर सभी लड़कियों ने अपना दिल लड़कों को दिया। जी हाँ, इस प्रक्रिया से अब्बू और माफ़ कीजिएगा, इस प्रक्रिया से पारस और आसिन को अलग रखा गया, क्योंकि उन्हें ब्लैक हार्ट मिले थे। इस वजह से इस प्रक्रिया से पारस और आसिन रहे दूर, तो वहीं सिद्धार्थ और सिद्धार्थ डे प्लस अबू मलिक को मिले था ये चांस कि वो लड़कियां उन्हें दिल देंगी अपना। तो वहीं लड़कियों ने अपना दिल दिया, सिद्धार्थ को दिया आरती और देवोलीना ने, तो वहीं अबू मलिक को दिया शहनाज ने दिल। बाकी लड़कियों ने अपना दिल पारस छाबरा को दिया। लेकिन यहाँ पर अभी किसी को ये नहीं पता था कि ये जो टास्क होने वाला है ये नॉमिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करें अगर शहनाज की, तो यहाँ पर शहनाज थोड़ी चालू निकली। उन्हें शायद पहले से ही समझ आ गया था कि आगे होने क्या वाला है, तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से अपना दिल अबू को दिया। अबू के पास केवल एक ही दिल था, जिस वजह से शहनाज बहुत ही आसानी से सेफ हो गई। तो वहीं सिद्धार्थ की जब बारी आई, तो उन्होंने आरती और देवोलीना में से आरती को चुना और ये कहा कि आरती को मैं घर से पहले से जानता हूँ, इस वजह से मैं आरती को सेफ करना चाहता हूँ। तो जब बात आई पारस पे, तो पारस ने तो अपनी तरफ से सिर्फ माहिरा को बचाया और सभी लड़कियों का दिल तोड़ दिया, जिसके बाद बग्गा यानी कि शेफाली बग्गा काफ़ी भड़की हुई नजर आई। उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल दिख रहा था कि क्यों पारस ने उन्हें नहीं बचाया। बस उन्होंने एक बात को पकड़ लिया कि तुमने मुझे ये क्यों बोला कि तुम रोती हो। मैं रोती नहीं हूँ, मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती हूँ। पर ये तो साफ दिख रहा था कि वो भड़की हुई है इस बात से कि पारस ने उन्हें बचाया नहीं। तो वहीं फिर से कल के एपिसोड में भी हमें ये देखने को मिला कि पारस और आसिन की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। आसिन की हर बात को पॉइंट करना मानो पारस की आदत बन गई हो। कल फिर चाय पर इतनी बड़ी बहस हुई कि उसने एक लड़ाई का ही रूप ले लिया। तो वहीं अगर देखा जाए शहनाज के बारे में, तो शहनाज के ऊपर घर वाले बोरिया बिस्तर लेकर चढ़ गए। राशनिंग को लेकर हुआ था ये विवाद, जब घर वाले लोगों को ये समझा रहे थे शहनाज को कि अगर राशन खत्म हुआ तो हम तो तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे, अगर कुछ भी होता है तो सारे घर वाले तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे, जिस वजह से बाद में शहनाज रोती हुई भी दिखाई दी। अब देखते हैं कि आगे शहनाज क्या कुछ करती हैं, क्या वो अपनी बचकाना हरकतों से बाहर निकलकर थोड़ी मैच्योर हरकत करेंगी या फिर वो अपने इस बचकाना पे ही टिकी रहेंगी। अगर बात की जाए पारस की, तो पारस अपने आप को फिर से काफ़ी ज़्यादा कूल दिखा रहे हैं और वो लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि वो लड़कियों के सहारे आगे शो में जा सकते हैं। बता दें आपको, वो एंटरटेन तो कर रहे हैं, लेकिन इसी तरफ दूसरी तरफ उनकी एक नेगेटिव इमेज भी लोगों के मन में बन रही है। तो पारस को अब देना होगा थोड़ा ध्यान। वही बात करें अगर नॉमिनेशन टास्क की, तो बता दें आपको कल नॉमिनेट हुई हैं रश्मि, कोइना, देवोलीना, शेफाली बग्गा और दलजीत कौर। अब आपका ये काम है कि आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को खूब ज़्यादा वोट दें और उन्हें घर में रहने के लिए कहें। माना जा रहा है कि अब इसमें देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन ज़्यादा सेफ रहेगा और कौन इस बार पहले ही हफ्ते इस शो को अलविदा कहने वाला है। तो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट ज़रूर करिएगा और रात 10:30 बजे बिग बॉस ज़रूर देखिएगा। हम फिर से हाजिर होंगे अपनी नई अपडेट के साथ और नई चुगली के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही, अब हमें चलने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।